अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग द विदिन स्पून। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी ना जी, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्ती अमेजिंग सी रेसिपी, दैट इज़ चॉकलेट केक, जो कि बिल्कुल 5 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाएगा बहुत ही ज़बरदस्ती, और फिर आप उसको अपनी ज़बरदस्ती क्रीमी कॉफ़ी के साथ इन्जॉय कर सकते हैं, अपनी चाय के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। ओके, वन थिंग मैं आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने जो एक कप रखना है, यूज़ करना है, मैं सारी मेजरमेंट्स एक कप के अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो मैं एक कप अगर यूज़ कर रही हूं तो मैं हर चीज़ की मेजरमेंट उस अकॉर्डिंग बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैंने एक कप और एक चौथाई कप मैदा जो है वो रख दिया है, 4 टेबल स्पून जो है वो कोकोआ पाउडर मैंने डाल दिया है, प्लस मैंने जितनी अमाउंट अभी दिखाई थी बेकिंग सोडा की उतनी ही अमाउंट मैंने सॉल्ट की भी यूज़ कर दी है, और इसको मैंने कर देना है साइड पर। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ बटर मिल्क, जो कि बहुत इजीली बन जाएगा। इसमें मैंने 1/2 कप जो है वो दूध यूज़ किया है, और उसमें अराउंड 1 या 2 टेबलस्पून ऑफ जो है इसमें मैंने डाल देना है कोई भी अच्छा सा विनेगर, किसी भी किस्म का आप यूज़ कर सकते हैं। और दूध जो है यहाँ पे मैंने दिखाया ये तो कुछ ज़्यादा गर्म है, लेकिन आप रूम टेम्परेचर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वेल, इसमें विनेगर जब मैं डाल दूँगी तो इसको मैं मिक्स करके थोड़ा सा साइड पर कर दूँगी, और ये हमारा बहुत ज़बरदस्त सा बटर मिल्क जो है वो कम्प्लीटली रेडी है। ओके, बैक टूवर्ड्स द ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम आते हैं। तो यहाँ पे इस सब को मैंने अच्छे से छान लेना है, और इतना इसको मैंने छानना है कि इसमें किसी किस्म के लम्ब्स वगैरह वो ना जाएं। ये टॉप पे जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं, इसको मैं मज़ीद अपने हाथ के साथ अच्छे तरीके से मैं इसको ऐसे प्रेस सा करके दोबारा से छान लूँगी, और ये सारा जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली ये जो है छान जाएगा। वेल, उसके बाद हमें क्या करना है कि ये एक मैंने थोड़ा बड़े बर्तन में मैंने इसको कर लिया था, इस वजह से कि ये ना बहुत ज़्यादा नीचे ना गिर जाए इस तरह से। इसको मैंने वापस क्या करना है, थोड़ा सा इसको मिक्स कर देना है। अच्छा, मिक्सिंग की इसकी रीज़न थोड़ी सी ये कि आपने इसको इतना ज़्यादा मिक्स करना है कि ये जो बेकिंग सोडा है, सॉल्ट है, कोकोआ पाउडर और मैदा, ये तमाम चीज़ें आपस में बहुत अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाएं। और इसको मैंने फिर शिफ्ट कर लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मुश्किल पेश आ रही थी, और इसको मैंने एक छोटे बर्तन में डाल देना है, उसमें अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स कर दूँगी। वेल, मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल एगलेस है, बीटर के बगैर मैं इसको बनाना सिखा रही हूँ, और ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। वेल, इसको अच्छा सारा मैंने कर दिया मिक्स, इतना मिक्स कर देना है कि आपको मैदा और कोकोआ पाउडर ये चीज़ें अलग-अलग नज़र ना आए, टोटली एक लाइट सा कोई कॉफ़ी सा कलर बन जाए, और ये रेडी है। वेल, इसमें सेम कप मैंने यूज़ किया, इस कप के साथ सारी मेजरमेंट भी कर रही हूँ। इसमें मैंने 1 कप जो है वो शुगर डाली, आप कैस्टर यूज़ करें, आप घर की पिसी भी करें, घर की नॉर्मल चीनी वो डाल दें। ये मैंने इसमें बटर मिल्क जो प्रिपेयर किया था वो ऐड कर लिया। बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर देना है, थोड़ा सा ये भी ड्राई लग रहा है, तो साथ ही मैंने क्या करना है, 1/2 कप ऑयल यूज़ कर लेना है, ठीक है। बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेल्ट करके आपने उसको यूज़ करना है। इसको मैं कर दूंगी बहुत अच्छा सा मिक्स, अच्छी खासी ये जान मांग रहा है, और ठीक ठाक इसने मेरे बाजू में दर्द किया, बिकॉज़ मैं इलेक्ट्रिक बीटर से नहीं कर रही, सिंपल हैंड विस्क यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को शिकायत होती है कि हैंड विस्क से वो रिज़ल्ट नहीं आते, तो ये कम्प्लीटली सेम रिज़ल्ट आपको देगा। वेल, उसके बाद मैंने यूज़ करना है इसमें बहुत स्पेशल इन्ग्रीडियंट, खोलता हुआ गर्म पानी, और आप देख रहे हैं कि इसका धुआं निकल रहा है, कितना शदीद खोलता हुआ पानी है। एंड दिस इज़ द की थिंग कि मैं बता दूं कि इससे सबसे ज़्यादा आपका जो केक मॉइस्ट और सॉफ्ट बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो है ना वो इंग्रेडिएंट है, बस समझ लें कि जान है ये इस रेसिपी की। वेल, इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर दिया, ये देखें आपके सामने है इसकी कंसिस्टेंसी। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद अलादा से एक प्लेटर में मैंने क्या कर दिया है कि कोई भी बोल किसी भी किस्म का आप ले सकते हैं। मैं इस टाइम पर इसको ओवन में बना रही हूँ, उसको ग्रीस करके मैंने डाला है, और एग्जैक्ट 5 मिनट्स के अंदर ये बिल्कुल रेडी था, और मैं आपको इसकी साइड्स भी दिखा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त ये बना है, और बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है। पता नहीं मैंने इसकी सॉफ्टनेस क्यों नहीं चेक करवाई, आई एम सॉरी, बट स्टिल मैं आपको अभी दिखाऊंगी, ये बहुत ज़बरदस्त बना है। अच्छा, इसकी जो है वो डेकोर का मुझे समझ कुछ नहीं लग रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी एक अंडे की जो है वो सफ़ेदी बीट की है, उसको इतना ज़्यादा अच्छी सी उसकी क्रीम बनाई है, और ये इस तरीके से मैंने उसके साथ चॉकलेट कॉफ़ी का थोड़ा सा मिक्स करके गनाश और ऊपर उसके डाल दिया है।
बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट बना है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तीन तरीके से मैंने इसको सर्व किया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीमी किस्म की कॉफ़ी मैंने बना के ना उसके साथ इसको बहुत मज़े का मैंने इन्जॉय किया था और मैंने नाश्ते में लिया था। आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं अपने गेस्ट के लिए, किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए। डू ट्राई दिस रेसिपी, प्लस सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ 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 फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज़ वेल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।